देखिए गाइस, मैंने ये सैंडल्स ली थी है ना, बट इसकी हील्स कम है, मुझे थोड़ी हील्स चाहिए इसमें ज़्यादा, तो इसलिए मैं इसको चेंज करूँगी। अदरवाइज मुझे तो अच्छी लगी, मुझे तो सही लगी थी, कंफर्टेबल भी थी, बट थोड़ा हील्स चाहिए क्योंकि लहंगे में अच्छा नहीं लगेगा कम हील्स, थोड़ी हील्स तो चाहिए होंगी, इसलिए मैं इसे चेंज कराऊंगी। और जो दूसरी हील है वो वहाँ पे रखी हुई है, तो उनको मैं चेंज नहीं करवाऊंगी, तो वाली हील्स भी मैं आपको दिखाऊंगी, लेकिन आने के बाद देखते हैं कि वो चेंज करते हैं कि नहीं करते शॉप वाले भैया। वैसे तो कर देना चाहिए, अभी 2 दिन हुए हैं लाए हुए, तो चलिए अब चलते हैं मार्केट, जा रहे हैं मार्केट। और ये हमारा दोस्त, तो रास्ते में भी काफ़ी शोर हो रहा था गाड़ियों का, और फिर क्योंकि हम स्कूटी में ऐसे चल रहे थे तो फिर हवा का काफ़ी आवाज़ आ रही, तो हमारी आवाज़ तो वैसे भी सुनाई नहीं दे रही थी। और कहीं पे हम खाने भी गए, कुछ भी किया, तो लेकिन क्या हुआ कि वहाँ पर वॉइस ओवर करना ही पड़ रहा था है ना, वरना मेरी वीडियो में कॉपीराइट आता, तो कहीं कहीं पे मैंने वॉइस ओवर किया है। और देखिए यही आते थे हम रामलीला देखने, और बस रामलीला भी हो गई अब। यहाँ पे पूरा पानी भर गया, और वहाँ भर गया पूरा पानी बरसात में, और देखिए कितना अच्छा लग रहा है। और इस समय पे बारिश नहीं है तो काफ़ी अच्छा, बहुत ही प्यारे प्यारे से बादल हो रहे हैं। और ये हम गलियों से निकलते हुए, तो गाइस देखिए मेरे बाल हो गए हैं और मैं स्कूटी चला के आई, पर इन लोगों को बहुत डर लग गया है। देखिए क्या बोल रहा, स्कूटी चलाते हुए दिखाया नहीं सर, इन्होंने मुझे स्कूटी चलाते हुए नहीं दिखाया। कैसा लगा, कैसा एक्सपीरियंस? वैसे मेरे पास मेरे साथ वैसे भी बहुत बार ही मेरे साथ बैठती, हमेशा ही बैठती, बट ट्रिपल मैंने आज फर्स्ट टाइम चलाया मार्केट में। वो महान इंसान ही दवाई ले जाना भूल गया था, एक सिरप, तो वही ये लेने के लिए आया है। और हमने यहाँ पर मेडिकल स्टोर में है, यहाँ पर और मेरी ड्राइविंग देख के इसका दिल गार्डन गार्डन हो गया, और एकदम ठंडा सा हो गया डर के मारे क्योंकि मैंने ट्रिपल चलाई फर्स्ट टाइम चलाई मैंने ट्रिपल, और वो भी यहाँ मार्केट में, और पास हो गई और मैं पास हो गई, पर ये थोड़ा सा डर गया, कोई बात नहीं, चलता इतना डरना तो चलता है, डर के आगे जीत है, इसलिए मैंने चला रही थी स्कूटी, ट्रिपल ले लिया था, क्योंकि डर के आगे क्या है, जीत है डर के आगे मौत है। और तो अब हम लोग आ गए थे यहाँ पर जूस पीने के लिए, तो मैंने अपने लिए जूस ऑर्डर कर दिया था, तो मैंने ऑर्डर किया था मौसम्बी का जूस, तो ये मेरा जूस रेडी हो गया, और ये रहा जूस, तो मुझे जूस पी के काफ़ी अच्छा लग रहा था। और ये देखिए यहाँ पर ये ले आया था 2 शेक, बटर स्कॉच शेक थे आई थिंक, और यहाँ पर देखिए निशू थी, मैं उसे कह रही थी यार तू मेरा ATM है, मैं उसे चिढ़ा रही थी यहाँ पर। और मैं फिर मैंने कैमरा किया, मैंने कहा ये देखिए कि यहाँ पर ये फ़ैन की हवा ले रही है इतनी ठंड में, सही मौसम था, यहाँ पर ये दोनों खाने लगे थे। और ये देखिए इसने जैसे एक स्पून लिया आइसक्रीम और फूंक मार रही, तो मैंने कहा यार इसे देखो इतनी ठंडी ठंडी है आइसक्रीम को भी फूंक मार के खा रही है, तो मुझे कह रही थी यार तू ऐसा मत कर, तू बदतमीजी मत दिखाया कर तो काफ़ी इन्जॉय किया हमने। और ये यहाँ पर होगी शायद रामलीला, हाँ शायद ही रामलीला ही होगी, ये देखिए मार्केट में। अब कहाँ जाएंगे हम, सैंडल्स चेंज करवाने हैं। तो ये हमारी एंट्री हो गई मालवी मार्केट के अंदर, ये बच्चों मेहंदी लगाती हुई लेडीज हैं, और इस गली में घुसते हुए हम, और हम घुसेंगे नहीं, हम अपनी स्कूटी को यहीं खड़े कर देंगे और चलते हैं सैंडल की शॉप में, चेंज करनी है सैंडल, चलिए। गाइस देखिए हम आए हैं कहाँ, हम आए हैं पिज़्ज़ा खाने, अंकल पिज़्ज़ा में आए हम, क्योंकि यहाँ पर डोमिनोज नहीं है, तो हम यहाँ पर आए अंकल पिज़्ज़ा में, अंकल जी का पिज़्ज़ा खाने इसने मंगाया स्वीट कॉर्न पिज़्ज़ा, सो सैड कि मैं उसे नहीं खा पाऊँगी, मैं नहीं खाऊँगी पिज़्ज़ा, वो कह रही एक्स्ट्रा चीज़ पिज़्ज़ा मंगाया है जिसे कि मैं नहीं खा पाऊँगी। और मैं यहाँ पर कह रही थी कि मैं उस
पिज़्ज़ा को नहीं खा पाऊँगी क्योंकि मेरी हेल्थ थोड़ी सी ठीक नहीं थी, तो डॉक्टर ने मुझे कहा कि आप कुछ टाइम जो है जंक फूड मत खाइए। तो मैंने कहा चलिए ठीक है, कुछ टाइम कर लेते हैं परहेज, उसके बाद तो खा ही लूँगी। तो ये लोग मुझे चिढ़ा रहे थे कि एक्स्ट्रा चीज़ पिज़्ज़ा। तो मैंने कहा कोई बात नहीं यार, बहुत जल्दी ही मैं भी खा लूँगी, कुछ दिन परहेज कर लेती हूँ, कोई बात नहीं। तो वही सब तो हंस रहे थे ऐसे, हम लोग हंसी मजाक कर रहे थे। और बहुत जल्दी किसी का बर्थडे आने वाला है, किसी का बर्थडे आने वाला है, पता नहीं किसका बर्थडे आ रहा है। बहुत जल्दी हैप्पी बर्थडे टू यू। तो मैं यही कह रही थी कि हैप्पी बर्थडे आने वाला है किसका, देखते हैं। अंकल जी का पिज्ज़ा, और इसका शुभ उद्घाटन करती हुई पिज़्ज़ा गर्ल, अंकल पिज़्ज़ा गर्ल। वाह, और देखने में तो ये पिज़्ज़ा मतलब काफ़ी अच्छा लग रहा था, एक्स्ट्रा चीज़ पिज़्ज़ा मंगाया था आखिर। और यहाँ पर क्योंकि कोटद्वार में अभी डोमिनोज़ नहीं है, तो यहाँ पर अंकल जी का पिज़्ज़ा मिलता है, अंकल पिज़्ज़ा, तो वो ये पिज़्ज़ा खा रहे थे। और यहाँ पर ये थे अपनी पसंद से यहाँ पर डाल रहे थे ये जो ऑरिगेनो वगैरह थे, चिली फ्लैक्स। तो यहाँ पर इनकी यही हो रही थी कि मैं ऑरिगेनो खाऊंगी या मैं चिली फ्लैक्स नहीं खाऊंगा, तो मतलब इनकी यही हो रही थी कि क्या डालना है क्या नहीं डालना है। तो फिर भी अपनी पसंद से थोड़ा थोड़ा कैसे थे डाल रहे हैं कि क्या क्या, पता नहीं अपनी पसंद से लगे हुए थे। यहाँ पर निशु, ये दोनों निशु, मोटा निशु और पतली निशु, तो मुझे कह रहे थे खा ले। तो मैंने कहा नहीं यार, मैंने कहा मैं नहीं खाऊंगी, बस मैंने प्रण किया कि मैं परहेज करूंगी अपना अच्छे से, क्योंकि जब मैं ठीक हो जाऊंगी उसके बाद तो तुम मेरा मुंह देखोगे, रोक भी नहीं सकता कोई मुझे। लोग आ गए हैं घर, और देखिए मैं दिखाती हूँ सैंडल्स, अब तो अच्छी लग रही हैं, पहले भी अच्छी थी बट ये था कि उनमें हील्स नहीं थी ज़्यादा। और अब जो लेके आई हूँ तो आपको दिखाती हूँ। देखिए गाइस, अब मैं ये वाले सैंडल्स लेके आई हूँ अपने लिए, और इसकी हील्स सही है, मतलब वो बहुत ही कम हील्स थी उसकी, और इसकी हील जो है सही है और अच्छी लग रही है काफ़ी। तो मैं इसको पहन के आपको दिखाती हूँ।